आपको सुनाते हैं। पार्किंग स्थलों, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट, त्योहारों के इस मौसम में जीवन को सुगम, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काशी में हो रहा ये विकास पर्व एक प्रकार से पूरे देश को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास देने वाला है। इसके लिए काशी सहित आज मैं काशी की धरती से 130 करोड़ देशवासियों को, हिंदुस्तान के कोने कोने को, हिंदुस्तान के गांव को, हिंदुस्तान के शहर को, हर किसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां हर कर्म का मूल आधार आरोग्य माना गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है। लेकिन आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। गांव में या तो अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो इलाज करने वाला नहीं, ब्लॉक के अस्पताल में गए तो टेस्ट की सुविधा नहीं, टेस्ट हो भी जाए लेकिन नतीजों को लेकर के भ्रम रहा, सटीक है कि नहीं उस पर शंका। जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि जो गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई उसमें तो सर्जरी होगी, लेकिन जो सर्जरी होनी है उसकी तो वहां सुविधा ही नहीं है, इसलिए फिर और बड़े अस्पताल भागो। बड़े अस्पताल में उससे ज्यादा भीड़, लंबा इंतजार। हम सभी गवाह हैं कि मरीज और उसका पूरा परिवार ऐसी ही परेशानियों से उलझता रहता था, जिंदगी जूझने में चली जाती थी। इससे एक तो गंभीर बीमारी कई बार और ज्यादा बिगड़ जाती है, ऊपर से गरीब पर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है वो अलग। साथियों, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो बड़ी कमी रही उसने गरीब और मिडिल क्लास में इलाज को लेकर हमेशा बनी रहने वाली चिंता पैदा कर दी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के हेल्थ केयर सिस्टम के इसी कमी को दूर का एक समाधान है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, जांच में देरी ना हो। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए।
विशेष रूप से जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव अधिक है, जो हमारे पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन पर और अधिक फोकस किया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है। साथियों, देश के हेल्थ सेक्टर के अलग अलग गैप को एड्रेस करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तीन बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। समय पर बीमारी का पता चलेगा तो बीमारियों के गंभीर होने की आशंका कम होगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में उसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े 35,000 से ज्यादा नए बेड्स तैयार किए जाएंगे। बाकी लगभग 125 जिलों में रेफरल की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए ट्रेनिंग और दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 12 केंद्रीय अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर भी काम हो रहा है। इस योजना के तहत राज्यों में भी सर्जरी से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 24/7 चलने वाले 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, योजना का दूसरा पहलू रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा है। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। देश के 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और देश में चिन्हित 3,500 ब्लॉक्स में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाई जाएगी। 5 रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स और 15 बीएसएल लैब भी इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। भाइयों और बहनों, इस मिशन का तीसरा पहलू महामारी से जुड़े रिसर्च संस्थानों के विस्तार का है, उनको सशक्त बनाने का है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं, इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए, ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण एशिया के लिए WHO का रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म भी रिसर्च के इस नेटवर्क को सशक्त करेगा। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज लेकर क्रिटिकल रिसर्च तक एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। साथियों, वैसे ये काम
दशकों पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर है, जहां आज काशी को उन्होंने 75,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इसके साथ ही 5200 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अब यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।